पूजा पंडाल काफ़ी खूबसूरत बना है यार, क्या पंडाल बनाया है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी श्री लाइफ। और अभी हम आप लोगों को ये प्रयागराज के अशोकनगर के पूजा पंडाल के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया है। और ये पंडाल, जैसा कि मुझे पता चला है कि ये सारा नारियल के छाल से बनाया गया है और उसके बाद उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगा करके इस पंडाल को बनाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत पंडाल बना है। यहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान वॉर की जो करंट थीम है ना, वो दिखाई गई है। और पहले यहाँ पे जैसे भीड़ इकट्ठा होती तो शो चलता है, उसके बाद जो है वो अंदर दर्शन के लिए भक्त जाते हैं। जबरदस्त दिमाग लगाया है, देखिए बिल्कुल वैसे सीन क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल युद्ध का सीन दिखा रहे हैं, म्यूजिक ऐसी चल रही है। वाओ क्या बात है, बहुत मस्त एकदम पंडाल बनाया है। और काफ़ी देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, टैंक्स वगैरह दिखा रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही देखिए अभी एरोप्लेन भी जाता हुआ दिखाएगा। तो इस तरह की थीम पहले आपने देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भीड़ अशोकनगर के पंडाल में मुझे दिखी है। हमारे प्रयागराज का पंडाल, और किस शहर में इस तरह के पंडाल बने हैं वो लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपने यहाँ का ये बिल्कुल टॉप का पंडाल दिखाया है, जहाँ पे बम्पर भीड़ चल रही है। देखिए शो खत्म हो गया है और दर्शन के लिए अब खोल दिया गया, तो सारी भीड़ दर्शन के लिए अंदर जा रही है, बहुत भीड़ है। और जब शो चलाते हैं तो अंदर से जो लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, तो भीड़ अंदर थोड़ी कम हो जाती है। तो बस चलिए अंदर चलते हैं, अंदर क्या बनाया उन्होंने ये भी हम दिखाएंगे और महामाई के दर्शन भी कराएंगे। तो अंदर का पंडाल देखते हैं किस तरह का बना है। तो अगर आप लोग को पसंद आएगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत करें, इतनी भीड़ में धक्का खा खा के जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। देख सकते हैं कितना धक्का है, और मैं उसी में जा रही हूँ कि मैं खुद भी दर्शन करूँगी महामाई के और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है कि और अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाएं। जय माता दी। अंदर भी पंडाल देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मतलब देखने लायक है चीज। यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट कलर के फ्लावर्स की जो बेल है ना, वो झाड़ के रूप में पूरे में लटकाई हुई है लंबी लंबी, और बहुत खूबसूरत है वाकई में। मतलब जिसने भी बनाया है सो ब्यूटीफुल। गाइज यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि इस पंडाल में पहुंचने के लिए आपको 500 मीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, वहीं से रास्ते बंद है, और वहां से इतनी दूर आपको पैदल आना है। और उसके बावजूद आप भीड़ देख सकते हैं कि बाहर भी इतनी भीड़ थी और पंडाल के अंदर भी इतनी भीड़। अभी कितनी देर में हम आगे पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है। तो बस हम भीड़ में, हम भी देखिए जैसे जैसे थोड़ी भीड़ कम होगी तो आगे तक जाएंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को, और खुद भी दर्शन करेंगे क्योंकि इसी काम के लिए इतनी दूर आए हैं यहाँ पे, तो माँ के दर्शन तो जरूर करेंगे सामने से जा करके। तो बस आप लोग भी वेट करिए और अभी हम आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। भैया भैया एक गार्ड साहब का सहयोग करिए, भैया कमल भैया, कमल भैया आगे बढ़िए, कमल भाई आगे बढ़ते जाइए, भैया गार्ड साहब, भैया सदरमान है जी जी जी, भैया आगे बढ़ते, गार्ड साहब गार्ड दीजिए, आगे बढ़ते जाइए भैया, थोड़ा सा एडजस्ट करिए भैया, सभी लोग आगे बढ़ते जी, आप दर्शन करिए आराम से आगे बढ़िए, ये पूजा करें आगे बढ़ते जाए भैया। गाइस भीड़ देख के लग नहीं रहा था कि सामने से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हम पहुंच गए, और देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है और बहुत ही खूबसूरत ही पंडाल बना हुआ है। तो जय माता दी। आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा, बहुत भीड़ है पंडाल मैंने आपको दिखाया और यहाँ के बारे में भी बताया, आप लोग को ये पंडाल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा आप लोग को भी दिखाया, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यहाँ का ये अशोकनगर का जो पूजा पंडाल है, दुर्गा पूजा पंडाल, वो आप लोगों को कैसा लगा।
देखिए, हम दर्शन करके पंडाल के बाहर आ चुके हैं। बाहर भी काफी मार्केट लगी है, काफी भीड़ है, यहाँ पे काफी सामान वगैरह भी मिल रहा है। तो लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे पंडाल में जाना है दर्शन करने के लिए और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने यहाँ के पंडाल के। तो चलते हैं हम आगे और जिस पंडाल में जाएंगे वहाँ का वीडियो भी हम आप लोगों के सामने लाएंगे। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। जय माता दी।